नेक्स्ट क्वेश्चन 175, इधर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस दी गई है. डेट्रिवोरस ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो बेटा ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट, नाउ अबे बेटा 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू. तो अगर हम इन चार ऑप्शंस में से देखेंगे, सो जो पहला हमें दिया है कार्टिलेज, तो कार्टिलेज क्या होता है? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है. फिर आता है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया इज अ नर्वस टिश्यू. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू इज लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो वो पूछ रहा है नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, सो द आंसर विल बी न्यूरोग्लिया सेल्स और न्यूरोग्लिया. नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा, करेक्ट मैचिंग करनी है फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स. तो पहली डिजीज है मायस्थीनिया ग्रेविस. डायरेक्ट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी ले रखी है जो हमें लास्ट में डिसऑर्डर्स में दिया जाता है. मायस्थीनिया ग्रेविस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल. तो बेटा ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर दिया है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है. मायस्थीनिया ग्रेविस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब ये तो रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. इसमें लिखा गया है एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिग्रेशन डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल. तो इसके लिए आएगा पॉइंट, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है. अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का लिखा जाता है सर इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. एंड लास्ट टिटानी, वो बोल रहे हैं टिटानी इज कॉज ड्यू टू हाई कैल्शियम लेवल दैट कॉज रैपिड स्पाज़म. तो लाइंस एनसीईआरटी की हम पढ़ते हैं, लो कैल्शियम लेवल के कारण होता है. सो वहाँ पूछा गया है करेक्ट मैच, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है. सो राइट आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट, एकदम बहुत ही सिंपल जो हम लोअर क्लासेस में भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन दिया गया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट. सो पहला प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर इज प्रेजेंट. तो हमें पता है बेटा प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, सो आरईआर इज प्रेजेंट. ये वाला ऑप्शन होगा इस केस में इनकरेक्ट. बाकी के तीन ऑप्शंस वो बोल रहा है एसईआर का फंक्शन हम पढ़ते हैं, लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, आरईआर में राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसीलिए उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं, और एसईआर में कोई राइबोसोम नहीं होते. सो तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी वी कैन से द इनकरेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जीन थेरेपी जो हम एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी पढ़ते हैं, सो क्वेश्चन दिया गया है द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स. वो बोल रहे हैं बार बार जो हम पीरियोडिकली क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं या क्यों हम बोल सकते हैं डालते हैं पेशेंट की बॉडी में जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स. तो वो वाई नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पीरियोडिक इन्फ्यूजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो रीज़न इज क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, क्योंकि एट लास्ट या लिम्फोसाइट्स. सो क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल और वी कैन से दे आर शॉर्ट लिव्ड. सो आर राइट आंसर विल बी सेकेंड फॉर दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 180, नेचुरल सेलेक्शन जहाँ पर मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन दी मीन कैरेक्टर वैल्यू. तो ये हमें बता रहे हैं वो जो हमने मॉथ्स वाला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म के अंदर. तो वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये वाला ग्राफ जिसमें बताया जा रहा है नेचुरल सेलेक्शन तो हो रहा है, बट वो क्या हो रहा है जिसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू है ज़्यादा, इंडिविजुअल्स की जो स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू जो है वो वैल्यू इट इज़ अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू. सो हम बोल सकते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास कौन से वाले मॉथ्स की ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, या पेपर्ड मॉथ और वी कैन से ब्लैक कलर्ड मॉथ. सो इसीलिए दिस ग्राफ इज डायरेक्शनल.
ये एक साइड बेंड हो गया है तो हम उसे बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज. सो इन दिस केस द राइट आंसर विल बी योर फोर्थ. ना क्वेश्चन 181. पहला स्टेटमेंट है इस केस में, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस इज रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस. क्यों करते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज? हमने पढ़ा है सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी एंड इट इज टी टी ए ए जी. सो पॉइंट है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं तभी वो एक्शन कर सकते हैं. स्टेटमेंट टू, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस कट द स्ट्रैंड्स अ लिटिल अवे. सो कट द स्ट्रैंड्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट, मतलब सेंटर में जनरली नहीं, लिटिल अवे फ्रॉम द एग्जैक्ट पैलिंड्रोमिक साइट. सो इन दिस केस योर स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3. करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 182. तो वो बोल रहे हैं इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग अ वीक सो द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज. तो बेटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे? वो बोल रहे हैं 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी, तो नंबर ऑफ डेड Drosophila or individuals will write down here divided by their total population. So कितनी थी? 8. Total कितनी dead है? 8. और कितनी population थी? That is your 80. So answer for this question will be 0.1. So right answer is answer number 3. Now, next question, question number 183. So, in which of the following animals digestive tract, दो additional chambers और किन के digestive tract में होते हैं? So, additional chambers होते हैं crop and gizzard, जिसमें बोलते हैं grinding and storage of food किया जाता है. So, in this case, बर्ड्स जो होते हैं उनके digestive tract में दो additional chambers होते हैं crop and gizzard. So कॉम्बिनेशन देखना है, कटला कोलंबो क्रोकोडिलस ये नहीं हो सकते बिकॉज ये फिश एंड बर्ड एज वेल एज इज योर रेप्टाइल. पैवो पिसेटिकुलो एंड कॉर्वस, बेटा ये तीनों बर्ड्स होते हैं. देन कॉर्वस कोलंबा कैमिलियन, इस केस में कैमिलियन जो है वो रेप्टाइल हो जाएगी तो वो भी कॉम्बिनेशन नहीं है. बुफो बेलेनोप्रा बैंगरस, ये तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे. सो योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैंने कहा बर्ड के पास एक्स्ट्रा एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, सो आवर राइट आंसर विल बी पैवो पिसेटिकुलो एंड कॉर्वस. नेक्स्ट अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 184. असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताना है पेनिसिलियम का. सो पेनिसिलियम के अंदर बेटा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उन्हें हम कहते हैं, और असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आर नोन एज कोनिडिया. नेक्स्ट ना नेक्स्ट क्वेश्चन 185. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट. हमारी एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा गया है दो पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी या जिसे हम एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं. सो कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम होता है? जो भी एयर इनहेल की जा रही है उसे बॉडी टेम्परेचर पे लाओ, उसे मॉइस्टन करो, क्लियर करो, मतलब फॉरेन पार्टिकल से फ्री करो, और मॉइस्चर करना मतलब ह्यूमिडिफाई करो, हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेके आओ. सो इन ऑल ऑफ दीज ऑप्शन टेम्परेचर ऑफ इनहेलर इज ब्रॉड टू बॉडी टेम्परेचर, ये काम कंडक्टिंग पार्ट का है.